अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम आपके लिए लेके आए हैं पाव भाजी। ये बहुत लजीज और बहुत टेस्टी बनती है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है, आप ज़रूर ट्राई करना। अब हम शुरू करते हैं इसकी रेसिपी, आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरा नाम है सैयद साजिद। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पाव भाजी। उसके लिए हमने इंग्रेडिएंट लिए हैं, आधे किलो हमने लिए गोभी और 300 ग्राम हमने गाजर ली है, 300 ग्राम आलू लिए हैं और 300 ग्राम मटर लिए है, 300 ग्राम शिमला मिर्च ली है और इन सबको हमने उबाल लिया है। इसमें हमने आधे गिलास पानी डाला है और आधा टेबल स्पून से थोड़ा सा ज्यादा नमक डाला है, 1 टेबल स्पून हमने गरम मसाला डाला है और 4 इसके अंदर हमने मोटी वाली मिर्च डाली है और इन्हें उबाल लिया है। और आगे का हम आपको दिखाते हैं क्या करना है। तो गैस पे हमने रख दी है कढ़ाई और गैस को फ्लेम कर दिया हमने हाई। और अब इसमें हम डाल देंगे 250 ग्राम मस्टर्ड ऑयल, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम चौथाई मक्खन डाल देंगे, मस्टर्ड ऑयल के अंदर हमने ये चौथाई मक्खन डाल दिया है, इससे टेस्ट बनेगा, जायका बनेगा। और 1 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे जीरा, थोड़ा सा ज्यादा डाल देंगे। एक चुटकी हम डाल देंगे इसमें हींग। 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे पाव भाजी मसाला, ये हमने रेडीमेड लिया है MDH का। अब इसे हम भून लेंगे थोड़ा सा। दो बड़ी प्याज लिए हमने इसके अंदर, ये ने हमने चॉप कर लिया था। और ये 4 टमाटर हैं, इन्हें भी हमने काट लिया है। अभी इसमें डाल देंगे हम ऑयल में, ऑयल में मक्खन भी डला हुआ है और ये प्याज टमाटर भी डाल देंगे। पहले प्याज को थोड़ा सा हम भून लेंगे हल्का सा। प्याज को हमें 2-3 मिनट भूनना है, थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाए जब तक इसे हमें भूनना है 2-3 मिनट। 1 टेबल स्पून हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसमें और इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर जो हमारे रह गए थे, 4 टमाटर हैं ये बारीक कटे हुए। और इन्हें भी थोड़ा सा चला लेंगे। गैस का फ्लेम हमारा हाई रहेगा, इसे हम मीडियम नहीं करेंगे, हाई रखेंगे। अभी पाव भाजी मसाला में थोड़ा सा कम लग रहा है, इसमें हम 1 टेबल स्पून और डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से हम चला लेंगे। अब 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम डालेंगे हम धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम है हमारा हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून डलेगा इसमें। और ये है लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टेबल स्पून हमारा लाल मिर्ची पाउडर है, ये डाल दिया हमने इसमें। एक टेबल स्पून से थोड़ा सा कम है कश्मीरी मिर्च पाउडर, ये कलर के लिए डाली हमने। और अच्छी तरीके से हम भून लेंगे मसाले को। 1 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें नमक और बाद में देख लेंगे, अगर कम लगा तो बाद में डालेंगे, फिलहाल हमें 1 टेबल स्पून डाला है नमक। गैस का फ्लेम हमारा हाई रहेगा और टमाटर को गलने तक हम इसे ऐसे इसी तरीके से थोड़ा सा दबाएंगे इसे टमाटरों को, और अच्छी तरीके से इसे भून लेंगे। पांच से छह मिनट इसे में इसी तरीके से भूनना है मसाले को, टमाटर जब तक ये गल ना जाए बिल्कुल, जब तक इसे हम भूनेंगे 5-1 मिनट लगेंगे इसमें। टमाटर हमारे लगभग गल चुके हैं,
अब इसमें हम डालेंगे जो हमने सब्जी उबाली थी, आलू मटर गोभी गाजर, ये सारी चीज़ें हमने उबाली थी, ये हम इसमें डाल देंगे सारे। हरी मिर्चें भी थी इसके अंदर हमारी, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है इसके अंदर। ये सारी सब्जी हमने इसमें डाल दी है, अब इसे अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे सब्जी को मसाले के अंदर। गैस का फ्लेम हमारा मीडियम हाई कर रखा है हमने। अब इसे हम घोट देंगे सारी सब्जी को अच्छी तरीके से। आलू वगैरह जो हमारे बिल्कुल गले हुए थे, आलू को भी घोट देंगे इसी में ही। इस तरीके से हमें घोटनी है सब्जी को। गैस का फ्लेम हमने कर दिया हाई और अब इसे हम ऐसे ही घोटते रहेंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से घोट दिया है आलू, जब तक हमारे सारे घुटने जाएंगे जब तक इसे हमें ऐसे ही घोटना है। और नमक मिर्च हमारा बिल्कुल सही है, हमने चेक करा है, बिल्कुल परफेक्ट बैठा है एकदम। इसके घोटते घोटते ये अच्छी तरीके से भुन भी जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो गया एकदम, टेस्ट में बहुत बढ़िया बनी है लजीज। पाव भाजी हमारी रेडी है, अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला पिसा हुआ। और इसे मिला देंगे अच्छी तरीके से। ये मोटी वाली हरी मिर्चें हमने बीच में से चार हिस्सों में करके काट के और वो डाली हैं। चार मिर्चें हैं मोटी वाली, बड़ी वाली मिर्ची जो होती हैं इसके अंदर तीखी तीखापन नहीं होता, बहुत कम होता है, वह इसके एक फ्लेवर आता है। भाई इसको हम एक दो मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे और पाव भाजी हमारी तैयार है। और पाव को हम मक्खन लगा के अभी दिखाएंगे आपको। ये देखिए फ्रेंड, पाव भाजी हमारी रेडी है, अब हम इसे डिश आउट करते हैं। और इस पर लगाते हैं मक्खन का तड़का। गैस पर रख दिया हमने पैन और फ्लेम को कर दिया था हमने हाई, अब कर देते हैं हम लो और इसमें डाल देते हैं मक्खन। मक्खन को मेल्ट करके इसमें डाल देंगे और फिर उसके बाद हम पाव लेंगे, पाव को थोड़ा सा इस पर भी मक्खन लगाएंगे हम। और इसमें डाल देते हैं भाजी पे, हाँ बेहतरीन खुशबू आ रही है लाजवाब। अब हम कर लेते हैं पाव को भी, थोड़ा सा पाव पे भी मक्खन लगा लेते हैं, इसे भी हम पाव कर लेते हैं अच्छी तरीके से। इस तरीके से हम पाव को कर लेंगे, मक्खन और लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें पाव पे मक्खन लगाना है। गैस की फ्लेम कम कर देते हैं हम लोग। ये पाव हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये फ्रेंड्स, पाव भाजी हमारी तैयार है बिल्कुल, और बहुत टेस्टी बनी है, बहुत लजीज बनी है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।